तो जो कि इस पर बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेगी लेयर करके इसे अगर आप पहनोगे। सो हेलो जी, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया ही होंगे। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइज, जैसा कि आपको पता है सर्दियां आ चुकी है, मतलब अभी आ रही है, कहीं पहाड़ों वाले इलाके पर बहुत ज़्यादा भी आ चुकी है। सो ऐसे में आपको विंटर की शॉपिंग तो करनी होगी, कुछ मेरे भाइयों ने कर ली होगी, कुछ मेरे भाइयों को और करनी होगी। आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे क्लोथ्स बताने वाला हूँ जो कि आपके पास होने ही चाहिए और उसमें आप बहुत ही ज़्यादा सेक्सी देखोगे। इसे पहनना है, क्या है क्या नहीं है, वो सब कुछ मैं आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको भी अपनी किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए, ग्रूमिंग, लाइफस्टाइल, फैशन से रिलेटेड, आप नीचे कमेंट कर सकते हो या मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम भी कर सकते हो, वहाँ पर आप मुझसे पर्सनली बात भी कर सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, ये सिर्फ और सिर्फ अपर आउटफिट के बारे में, लोअर आउटफिट के बारे में कभी और बनाएंगे कुछ दिनों बाद। यानी कि तो सबसे पहला आउटफिट जो इसमें हमारा होने वाला है वो होने वाली है, सबसे पहला ये जो मैंने पहना ही है। अब ये एक हुडी नहीं है, ये एक स्वेट शर्ट है। वैसे क्या आपको नहीं लगता कि हुडी, स्वेटर्स, इन सब का मिक्सचर बना दिया गया और उसे कहते हैं हम सभी स्वेट शर्ट? जी हाँ, ये एक हुडी नहीं है, ये एक स्वेट शर्ट है। जो इसका क्लोथ है वो बहुत ही ज़्यादा थिन है, यानी कि आप इसे भरी सर्दी में सिंगल नहीं पहन सकते। आप इसके बाहर से डेनिम या कोई शॉर्ट लेदर जैकेट आप उसे कैरी कर सकते हो, जो कि इस पर बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेगी लेयर करके इसे अगर आप पहनोगे। एंड इसका कलर है, इसके कुछ रेड स्ट्रिप्स जा रही है एंड वाइट इसका बेसिक कलर है। सो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है जब आप इसे बाहर पहन के निकलोगे। नॉर्मल डेज में, नॉर्मल सर्दी में आप इसे सिंगल पहन सकते हो, बट आपको लेयर करके पहनना पड़ेगा जब बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ जाएंगी। तो अब डेनिम मैं इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि डेनिम का कलेक्शन मैंने नहीं खरीदा। जब खरीदूंगा आपको इंस्टाग्राम पर अपडेट मिल जाएगा, तब मैं आपको ये चीज़ बता दूंगा। देन बात कर लेते हैं हमारे सेकेंड आउटफिट के बारे में, जो कि है हमारी हुडीज। जी हाँ, आपके पास हुडीज होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड हुडीज कैसी, प्लेन हुडीज होना तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने लिए प्लेन ब्लैक हुडी, ये किसी भी आउटफिट के साथ, यानी कि ये किसी भी आउटफिट पर मैच कर जाएगी, किसी भी कलर के साथ मैच कर जाएगी और ये सभी पर अच्छी लगती है। ये एक बहुत ही ज़्यादा खास बात होती है वाइट एंड ब्लैक कलर की। सो इसीलिए मैंने ये प्लेन ब्लैक हुडी ली है एंड ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। एंड इसका क्लोथ काफ़ी ज़्यादा मोटा है, यानी कि आपको सर्दी नहीं लगने वाली, फैब्रिक काफ़ी अच्छा खासा इसका है। ना बात कर लेते हैं हमारे थर्ड एंड लास्ट आउटफिट के बारे में, जो कि है एक स्वेट शर्ट। अब ये कुछ स्वेटर टाइप लग रहा होगा बट दिस इज स्वेट शर्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि मुझे लगता है कि मिक्सचर कर दिया गया है इन सभी चीज़ों का। तो ये कुछ नेवी ब्लू कलर का स्वेट शर्ट है एंड इसके बीच में कुछ स्ट्रिप्स जा रही है। एंड इसे भी आप किसी भी चीज़ के साथ कैरी कर सकते हो, वो आपके ट्राउजर हो सकते हैं, वो आपके जीन्स हो सकती है, पैंट्स हो सकती है, किसी भी आउटफिट के साथ कैरी कर सकते हो एंड ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगने वाले। तो ये थे हमारे तीन बेसिक आउटफिट जो कि आपके पास इन विंटर्स में तो होने ही चाहिए, ताकि आप और भी ज़्यादा सेक्सी लग सके, और भी ज़्यादा बढ़िया लग सके। और भी बहुत सारे मैंने खरीदे बट वो एक ही वीडियो में आपको नहीं दिखा सकता, धीरे धीरे करके आपको दिखाऊंगा वो सारे। एंड उन सभी में कुछ खास भी नहीं है, एक दो लेदर जैकेट्स हैं एंड बाकी सब हुडीज वगैरह है। सो इसलिए मैंने एक एक सैंपल आपको दिखा दिए। सो बस गाइस, इतना था आज की वीडियो में। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।